भले ही किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 में निर्धारित किया गया, परंतु एक गांव ऐसा भी है जहां ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की विशेषज्ञों की देखरेख में इस गांव के लगभग 500 परिवार पहले की अपेक्षा अब दोगुनी आमदन करने लगे हैं। ये बात बैजनाथ विधानसभा की धरेड़ पंचायत की है। भले ही किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 में निर्धारित किया गया है, परंतु एक गांव ऐसा भी है जहां ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के विशेषज्ञों की देखरेख में इस गांव के लगभग 500 परिवार पहले की अपेक्षा अब दुगनी आमदन करने लगे हैं। बात बैजनाथ विधानसभा की द्रेड़ पंचायत की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत 60 लाख की परियोजना ने 3 वर्ष की अवधि में यहां के किसानों का कायाकल्प किया है। किसान प्रथम कार्यक्रम को धरातल पर क्रियान्वित करने को कार्य कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जा रहा है। किसान परंपरागत धान, गेहूं व मक्का की खेती के अतिरिक्त अब मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन व मौन पालन तथा सब्जी उत्पादन का भी प्रमुखता से कर रहे हैं। बेहतड़ा गांव की शैलजा कुमारी ने मशरूम पालन में अपनी आय को बढ़ाने का कार्य किया। वर्तमान शैलजा के पास मशरूम के 100 बैग हैं तथा अब तक वह 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम मशरूम बेच चुकी हैं। शैलजा कुमारी कहती है कि वह और उसके पति खेतीबाड़ी करते थे, परंतु उससे उनका घर का खर्च ठीक ढंग से नहीं चलता। मशरूम पालन से उनके घर का खर्च और बच्चों का खर्चा भी ठीक ढंग से हो रहा है। सर, ये जो है हमें मशरूम वगैरह दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी पालमपुर विश्वविद्यालय वाले ने, तो पहले हमारी स्थिति जो थी वो कम थी, जो गुजारा नहीं कर पाते थे, पर जब से ये बैग हमने रखे हैं तो अपने महीने का जो भी है खर्च वगैरह वो भी अच्छा निकल रहा हमारा, और बच्चों का भी खर्च वगैरह बढ़िया अच्छा निकल रहा है। तो और इससे पहले क्या करते थे आप? खेती बाड़ी करते थे सर। तो उससे आपकी कैसी चलती थी पारिवारिक जो कमाई वगैरह? कम थी सर हमारी, ऐसी बात है। हाँ जी, अब तो पहले से थोड़ा बहुत जाते हैं। तो उसको आप कहाँ क्या क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं इसको? सर, मेरे घर वाले जो हैं, पति मेरे, वो बाजार या भीड़ में लेके जाते हैं, वहाँ पर बेचते हैं दुकानों में। जैसे बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। और कितने पढ़े हैं आप? मैंने प्लस टू पास की है सर। तो नौकरी वगैरह की है आपने पहले कभी? सर, नौकरी तो नहीं की है, वैसे ट्रेनिंग वगैरह की है मैंने नर्सिंग की। तो आपको नौकरी से ये काम अच्छा लग रहा है कि नौकरी में ठीक लगता है? नहीं सर, ये काम ठीक लग रहा है मेरे को। भी सुषमा देवी और कुलती देवी ने कहा कि उन्होंने भी मशरूम के बैग रखे हैं तथा वह इनका खुद भी प्रयोग कर रहे हैं और बाजार में भी बेच रहे हैं, जिससे पति पर खर्च का थोड़ा बोझ कम पड़ रहा है। कुलती देवी गांव का नाम तड़ा। आपने कितने लगाए मशरूम के पैकेट जो है? पैकेट 5 पैकेट लगाए जी। तो और क्या खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, गेहूँ। अच्छा, इसके बाद आपको जैसे लगाने के बाद कितना फायदा हुआ है मशरूम लगाने के बाद? मशरूम लगाने के बाद काफी फायदा हुआ, 500 कमा लिया इससे ना, और खाब लिए और बांट भी लिए अपने रिश्तेदारों को। हाँ जी, हाँ जी, और बेचते भी इनको। हाँ जी। वही मुर्गी पालन कर रहे गांव कंट कोसरी के कुलदीप सिंह ने कहा कि खेती बाड़ी करते हैं, परंतु कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा उन्हें अच्छी नस्ल के 50 मुर्गे और मुर्गियां दी गई हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हमें 50 मुर्गे दिए गए थे, जिसमें कि अच्छी किस्म के मुर्गे मिले हमें, और उससे अभी तक मेरे पास 50 में से 5-6 मैंने बेच दिए और उसमें से 40 अभी तक मेरे पास बची हुई, तो जिससे कि बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। उसका अंडा भी बढ़िया मिल रहा है और उस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हमें मुर्गों के लिए फीड वगैरह दी गई थी, तो बढ़िया फायदा हो रहा है इससे हमें, और बढ़िया नस्ल है और रेगुलर अंडा दे रही है, जिससे आधे लगभग 25-30 मुर्गियाँ इस वक्त मेरे पास और 15-16 के करीब मुर्गे हैं, तो मुर्गे से भी अच्छी आमदनी हो रही है। मुर्गियों से लगातार जैसे अंडे मिल रहे हैं, तो उससे भी हमें अच्छा फायदा हो रहा है। और पहले हम जैसे कृषि का
कृषि का काम भी करते हैं, जैसे खेतों में सब्जी वगैरह उगाते हैं, तो उसके साथ मुर्गी पालने का भी अच्छा अनुभव मिल रहा है, जिससे कि अच्छी अच्छी लाभ मिल रहे हैं हमें, बढ़िया आमदनी हो रही है। बही कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रसार निदेशक डॉक्टर यशपाल ठाकुर ने कहा कि बैजनाथ उपमंडल की दृढ़ पंचायत के लोग परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा संचालित किसान प्रथम कार्यक्रम के अंतर्गत दृढ़ पंचायत के 500 किसानों का चयन किया गया है। किसानों को परंपरागत खेती में सहायता करते हुए उत्तम प्रकार के बीज तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। किसानों को इसके अलावा मशरूम उत्पादन की गतिविधियां भी कराई गई हैं, जिसके तहत 48 किसानों को मशरूम के बैग उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रति किसान लगभग 5 बैग से लेकर 100 बैग दिए गए हैं, ताकि वे अतिरिक्त आय के रूप में कुछ आय अर्जित कर सकें। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा बैजनाथ उपमंडल के धरेड़ पंचायत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित कार्यक्रम फार्मर्स फर्स्ट स्कीम जो है उसको संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने धरेड़ पंचायत के 7 गांवों में लगभग 500 फार्मर्स को सिलेक्ट किया गया है। ये किसान जो है परंपरागत रूप से कृषि से जुड़े हुए थे और खेती कर रहे थे। हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन किसानों को उत्तम प्रकार के बीज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई है, ताकि वो अपनी कृषि का उत्पादन बढ़ा सकें। इसके साथ साथ ही पशुओं में भी रोग निरोधक उपायों के अतिरिक्त उनको सही दाना और लवण मिश्रण इत्यादि उपलब्ध करवाए गए, ताकि उससे जो है उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ सके। इसके अतिरिक्त उनको जो है एंटरप्राइज के रूप में कुछ अन्य कृषि से संबंधित गतिविधियाँ भी जो है शुरू कराई गई, जिनमें मुख्यतः मशरूम या खुम उत्पादन की गतिविधि है। इसके अंतर्गत हमने लगभग 48 किसानों को मशरूम के बैग जो है उपलब्ध कराए। प्रति किसान लगभग 10 से लेके 100 बैग दिए गए, ताकि वो अतिरिक्त आय के रूप में कुछ अर्जित कर सके। इसके साथ साथ ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक किसानों की आय दुगुना करने का जो लक्ष्य है, उसके में भी योगदान कर सकें। और इसके बहुत ही अच्छे हमें नतीजे देखने को मिले हैं, और मशरूम उत्पादन में ना केवल यहाँ के किसान दक्ष हुए, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस व्यवसाय को आगे चलाया और अपनी आय बढ़ाने में जो है सफलता प्राप्त की है।